तो दिन के 1 बजने वाले हैं और अब जाके मेरी फाइनल पैकिंग हुई है। मतलब सुबह से मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ क्योंकि नवल अपनी वीडियो में लगे हुए थे और उसके बाद मुझे नित्य और नित्य सो ही नहीं रही है। तो उसने मुझे पहली वार्निंग दे दी है कि देख तेरे साथ क्या करने वाली हूँ मैं आगे, पता नहीं भगवान बस अच्छे से सब कुछ हम वहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि नित्य आज सुबह से सोई नहीं, अब जाके सोई है वो, सिर्फ 5 मिनट पहले सोई है, तब जाके मैं एकदम फ्री हुई हूँ। पैकिंग मैंने कर ली है, सारी कर ली है, बस जो लैपटॉप और ये कैमरे वगैरह का जो भी ये सामान है, ये गैजेट्स वगैरह चार्जर वगैरह, उसके लिए वो बैग आने वाला है। मैंने बात कर ली है जो डिलीवरी पर्सन है, वो 4 से 5 बजे के बीच में आएगा। ठीक है, हमें यहाँ से 8:30 बजे तक या 9 बजे तक निकल जाना है घर से, तो तब तक आएगा फिर हम रख लेंगे। बाकी मैंने सब पैकिंग कर ली है। नवल वीडियो पे काम कर रहे थे लेकिन, और उनको हेयर कट भी करवाना था, मैंने कहा ऐसा ना हो वीडियो के चक्कर में हेयर कट रह जाए, और वीडियो भी इतनी लंबी है ना, वो करते जा रहे करते खत्म नहीं हो रही, मैंने कहा तुम इसको छोड़ो यार, काम जो निपटाने अपने निपटा लो, एंड टाइम पे फिर बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो वो गए हुए अपना हेयर कट करवाने, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम दोनों, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम से सोच रहे थे कब आएगा टाइम, कब जाएंगे कब जाएंगे, बस फाइनली आज वो दिन आ गया, कल हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। कल का लंच हम वहीं करेंगे, आज का लंच यहाँ कर रहे हैं। और नित्या भी, नित्या तो खैर क्या एक्साइटेड होगी, लेकिन नित्या के लिए सब एक्साइटेड है वहाँ पे, उसके कजन्स हैं, उसका ब्रदर है बड़ा, और छोटी बहन है 4 साल की, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगी। कब से बोले नित्या कब आएगी, उसका बहुत मन हो रहा है उसको प्यार करने का, तो बस पहुंच जाए होपफुली, अच्छा हमारा ट्रिप रहे बस। और मुझे थोड़ी ना उल्टी वगैरह आने का भी मन हो जाता है पहाड़ों में, मैं बोल तो बड़े मज़े से रही हूँ बट थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि वो रास्ते ऐसे घुमावदार होते हैं ना, तो उसकी वजह से। बट होपफुली सब ठीक हो जाए, अच्छे से पहुँच जाए, भगवान सब अच्छे से पहुँचा दे, और आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। अरे एसी को आके हम इसकी सर्विस कराएंगे, पता नहीं क्या बीच बीच में इसमें कैसी आवाज़ें आने लग जाती है, भैं भैं करके बहुत तेज तेज बोलने लग जाता है, फटाफट से ब्लॉग एडिट करती हूँ मैं अब। तो फाइनली हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट, कल भी यही बोला था, ऑलमोस्ट हो गई है, और बैग द्वारा हमारा आ चुका था। इस बैग से काफी हेल्प हुई, क्योंकि देखो ये सब चीज हमको ले जानी है ना। हाँ, मैं बैग में बोल रही थी ठूस निकले, कैसे ठूस वही तो कैसे, क्योंकि वो वाला नॉर्मल वाला बैग ले जाते हैं तो हमको लैपटॉप वाले बैग में ये सब रखते तो बहुत प्रॉब्लम होती है ना, बहुत सारा खराब हो जाता है, तो यहाँ पर सिक्योर है, अच्छे से रख दिया, कैमरा है और यहाँ पे लेंस है, ये चार्जर हो गया लैपटॉप का, ये एक्सटर्नल जो कैमरे में माइक लगता है, ये लाइट हो गई, ये बाकी कार्ड वगैरह हो गए। एक चीज है जो फिट नहीं आ रहा है वो है मेरा गेमिंग वो हेडसेट, वो कैसे फिट करें वो समझ नहीं आ रहा है इसमें, एक सेकंड देखता हूँ। ये ऑलिवर बीच में पंगे कर रहा है, खुलने वुलने वाला ऐसा कुछ होता ना, तोड़ने मोड़ने वाला नहीं यार, खराब ना हो जाए ना, ऐसे खराब हो जाएगा ना, इसको उसी में रख के लेके जा सकता है। नहीं यार ये नहीं, यहाँ पे लगाना एक बार, चार्जर तो मैं बैग में भी रख लूंगी लैपटॉप का, इसको रख लेना ना, ये नहीं। हाँ चलो ठीक है, तो ऐसा हो रहा है कि सामान खत्म नहीं हो रहा है और बैगों में जगह नहीं है, अब रखते हैं एक और जाके नया बैग पर। ओ क्या कर रहा है, मुझे लगा पपीता चुरा के ले गया। तो ये बैग भी हो चुका है और बैग बहुत भारी हो गया, अभी समझ में आ रहा है लोग मैकबुक वगैरह क्यों लेते हैं, बहुत हल्का होता है ना ट्रेवल के लिए, लैपटॉप बहुत भारी हो रहा है। और हमारे पास 5 बैग, ये भी हटा दो, ये भी दिखाओगे क्या सब, ये तो भी निकाल रहा हूँ मैं अभी। मैं मतलब मम्मी कह रही थी पहले चेक कर ले कहीं इसमें भी जूते ना हो जब वो डिलीवरी वाला है। नहीं लेकिन ये तो बड़ा था, और एक और गड़बड़ हुई, वो वाला भी पिक हो गया हमारा, उस साथ में ही हो चुका था, उसको मैंने दिखा भी दिया था कि मैंने 2 बार ऑर्डर किया है, उसको ये लगे कि है ना, क्योंकि वो पूछ रहे, उसने बात भी करी थी, पिक हो गया था, मतलब मैंने उसको वीडियो सेंड करी और बाकी सब हो गया था आराम से, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अमेज़न पर यही सही रहता है। तो बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है, वो अभी 30 तारीख की है, 30 मई की, और इस बार हम मतलब कहीं बाहर बाहर हमारे लिए तो भारी हुआ, क्योंकि हमने 2 एनिवर्सरी तो लॉकडाउन में ही बिता दी। फर्स्ट एनिवर्सरी में कोरोना स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम पे, तब हमने सोचा था कोई ट्रिप कहीं जाएंगे, सेकंड में सोचा था अब तो जाएंगे ही जाएंगे, उस टाइम पे हमें ही कोरोना हो के हम ठीक हुए थे, और उस टाइम भी कोरोना काफी फैल रहा था। अभी फाइनली हम इस बार जा रहे हैं, इस बार होपफुली सब सही है और आगे भी सही रहे, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो, और चलो फाइनली इस एनिवर्सरी को तो गांव ही जा रहे हैं, वही सही हमारे लिए, तो वही बहुत बड़ी बात है, घूमना हो गया, यहाँ से आनंद ले आते जाओ वही घूमो। ओलू मेरे प्यारे छ बाबू, चलो चलो। तो मैं अभी ओलिवर को छत में घुमाने के लिए लेके आई हूँ, फिर कितने दिन बेचारे को मैं घुमा भी नहीं पाऊंगी, कितने दिन हम यहाँ होंगे नहीं। ओलू बाबू इधर आ, ओलिवर हो गया।
ये देखो कुछ तालियां बजाई मैंने, अब ये हो गया ट्रिगर्ड। अभी थोड़ी देर तक इसका असर रहेगा तालियों का, और ऐसे ही कर करके इसको पॉटी भी आ जाती है। ये मुझे समझ में नहीं आता हम सब ऐसा करने लग गए हैं आजकल की तालियां बजाते हैं इसके लिए, और ये ऐसा पागल नहीं है देखना। तालियों से पता नहीं इसको क्या लगता है कि हाँ भाई मेरा काम शुरू करना है मुझे। अभी देखने गया है वहीं पॉटी करता है, अभी वहाँ आ ही नहीं है, अभी और करना पड़ेगा और ट्रिगर्ड करना पड़ेगा। तो हम दोनों तो रेडी हो गए हैं, रात के 9 बजने वाले हैं, बस हम निकलने वाले हैं। अभी मम्मी नित्या को रेडी कर रही है और उसके बाद बस निकलते हैं। ओलिवर अंदर आ गया, कहाँ गया था इसको पता तो चल गया, कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं हम। कोको यहीं पे बैठी है, ये भी अब उठ गए, अभी तक सोए हुए थे ये लोग। अरे नहीं तुम लड़ो मत, अभी से लड़ रहे हो। और ये है मेरा चीकू, ये है मेरा कैस्पर, लड़ाई मत करना हाँ ओलू से, अच्छे से रहना हाँ मेरा बच्चो। कर लो इनको पार कर लो, खूब कर लिया नवल का मन भी नहीं लगता है। क्या ये देखना कह रहा मुझे नहीं कर रहा, वो चला गया। अरे वो चला गया, मुझे नहीं कर रहा, कह रहा मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं। और सबसे ज्यादा प्यार तुझे ही करते हैं हम। तो बस यही है, 5 बैग हो गए, दो लोग हम लोग उसमें से एक बेबी। अभी मेरे पापा भी जा रहे हैं छोड़ने के लिए, वहाँ पे देखते हैं हम कैसे करेंगे, बेबी भी साथ में, सब कुछ करना है, मैनेज कर लेंगे, बस भगवान सही से पहुंचा दे। थोड़ा सा हैक्टिक लग रहा है, जैसे जैसे टाइम आ रहा है ना वैसे वैसे डर लग रहा है। अभी तक वैसे मैंने नित्या को सोने नहीं दिया, तो मैं सोच रही हूँ आधा पौना घंटा और उड़ जाती है, उसके बाद मैं उसको आराम से सुला दूंगी, बस में आराम से सो जाएगी। नित्या भी हो गई है रेडी। नित्या का ध्यान ना वहाँ राइम्स लगा रखे, ताकि थोड़ा सा माइंड अभी उसका डाइवर्ट रहे। सही हो रहे हैं इसको, ये लूज लूज कपड़े कंफर्टेबल रहेंगे। देखो देखो आगे ही गिरे जा रही है, अभी थोड़ी देर में बाल बराबर ही कर देगी। चलो 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 नित्या फटाफट से बस निकलते हैं। कहाँ है इसका कवर, कहाँ है कैमरे का, ये रहा हाँ सब है ये। तो अभी हम पहुँच गए हैं आनंद विहार, और ये हमारी बस लगी, हमने बैग वगैरह सब रख दिया है, और बस थोड़ी देर में बस चल जाएगी। अभी तो 9:30 बजे हैं, आधा घंटा है, और नित्या का ध्यान कैमरे में है। हाँ वैसे सही है, अभी तो ठीक हो रहा है, लेकिन जब ये इरिटेट होगी ना फिर उसके बाद ये इसको अजीब सा हो जाएगा, है ना नित्या। अभी तो उसको मजा आ रहा है, अभी मौसम भी अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है ना, तो अभी हम अंदर भी नहीं जा रहे हैं, अंदर ना घुटन जैसी हो जाएगी। अभी अभी एसी भी नहीं चला होगा ना उसमें, वैसे अंदर बहुत ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी जैसी हो जाती है। तो हमारे बैग वो रख दिए राइट साइड में कॉर्नर में, बस अब सही सलामत पहुँच जाए हमारे बैग, है ना नित्या, सही सलामत पहुंचे। लास्ट टाइम हमारे बैग मुझे याद है, हमारे बैग पिचक गए थे जब हम दिवाली के बाद, क्योंकि अभी तो ऐसा रखे हुए हैं ना, बाद में बस में हिलते रहेंगे ना तो उनकी हालत खराब हो जाती है। तो हमारी बस चल पड़ी है और नित्या को मैंने सुला भी दिया है सक्सेसफुली, हम दोनों लगे रहे सुलाने में, तो फाइनली सो गई है, अभी अच्छे से सोई है। बाय बाय दिल्ली, अब हम मिलते हैं आपसे 20 दिन बाद। तो अभी हम पहुंचे हैं गजरौला, और यहाँ पे रुकी हुई गाड़ी, यहाँ पे लोग जिसको खाना खाना है वो खा रहे हैं। वैसे अभी 12 बज गए हैं, नवल गए हैं वॉशरूम, आ गए पीछे से शायद आते हुए दिखेंगे, नवल वॉशरूम से आ रहे हैं। और नित्या उसी टाइम उठ गई थी, मैंने जब अपडेट किया था नित्या सोई थी, और नित्या को बड़ी मुश्किल से अभी मैंने 10-15 मिनट पहले उठाया सुलाया था सॉरी। अब नित्या दोबारा उठ गई है क्योंकि गाड़ी रुक गई थी, एसी बंद हो गया, इसलिए नित्या की नींद भी खुल गई, इसलिए हम इसको लेके भी बाहर आ गए, नहीं तो हम अंदर ही बैठे रहते हैं। नवल आ गए हैं, जबरदस्ती भेजा मैंने कहा चले जाओ, कह रहे आई नहीं रही तो जाऊँ कहाँ से, घर से बोले तो भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगी करके 2 प्रोटीन बार दोनों खा गए। हाँ वही तो, कितना रोने लग गई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने जैसे तैसे गाना गाती रही, मैं भी चुप नहीं हुई, राइम्स गाती रही, सो गई थी यार, इसकी बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, बहुत इंटरप्ट हो रही है। अब बाद में पता नहीं, अब तो खैर बहुत लेट बस रुकेगी शायद ना, अब रुद्रपुर रुकेगी ना, अब वहाँ रुकेगी, उसके बाद हल्द्वानी अपना स्टॉप, तब तक सुबह हो जाएगी। खाने के लिए नहीं रुकती बस, 5 मिनट के लिए भी रुकेगी लेकिन तब भी ना। तुम्हारे पीछे जो ढाबा है ना उसका नाम तड़का ढाबा है, अब नवल का यहाँ तो सब कुछ तड़कीला मिलेगा, तड़कता भड़कता, अब हमें खाना है कुछ हल्का। तो इनके सर के आसपास हम मच्छर घूम रहे थे, अभी इनके मुंह में घुस गए, तो कह रहे कुछ हल्का चाहिए था खा लिया, तुम्हारे गाल में मच्छर भी काट रहे हैं यार, पेट के अंदर लो तुम्हें हल्का चाहिए था ना। अरे अरे कैसे कर रहा है, जैसे हमें कब से जानता होगा, हाँ कब से जानता है, देखो हमें कितना क्यूट बेबी मिला है, ये कैसे खेल रहा है, कैसे खेल रहा है ये पापा के साथ, कैसे खेल रहा है नित्या, देखो ये पापा के साथ कैसे खेल रहा है, ये देखो अरे 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 तुम्हारा तो दोस्त बन गया ये, कुछ बिस्किट वगैरह वहाँ से खिला सकते हैं ना।
हाँ, यहाँ तो नहीं मिलेंगे, वहाँ अंदर को जाके लेके आओ, खाएगा देखना देखना। अरे 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 नित्या, अरे इसको पकड़ो, नित्या को पकड़ो। फाइनली हम पहुंच गए हैं और रास्ते में तो व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आने का मन हो रहा था और नित्या भी बहुत रो रही थी। अभी अभी जस्ट पहुंचे हैं, उतरे अभी गाड़ी से, और मम्मी लोग भी सब आ गए हैं वहाँ पे। बस अब हम जाएंगे। कितना जॉइंट पेड़ है। और ये हमारा दूसरा ओलिवर, इसका नाम टाइगर है, टाइगर। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं और ये वाला व्लॉग ना अभी यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। इससे आगे का व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।